आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने नए YouTube चैनल्स बनाए हैं, क्योंकि एक नया YouTube चैनल बनाने के बाद उसको वेरीफाई कराना जरूरी होता है। जब तक आप अपने नए YouTube चैनल को वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आप उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड नहीं कर पाएंगे और ना ही आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए सबमिट कर पाएंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक नए YouTube चैनल को वेरीफाई कराने के क्या क्या तरीके हैं और नए YouTube चैनल को वेरीफाई कराने का क्या प्रोसेस रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने चैनल को वेरीफाई करने के लिए आपको YouTube एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेना है। इसमें आप यूअर चैनल पर क्लिक करेंगे, इसमें आप मैनेज वीडियोस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे जो आपने अपने चैनल पर पब्लिश किए हैं। किसी भी वीडियो में आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें आप एडिट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। इसमें आपको इस तरह से कोई भी एक लिंक ऐड कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लिंक ऐड किया है, तो इससे आपके सामने वेरीफाई का ऑप्शन आ जाएगा। ऊपर आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ये एक वन टाइम वेरिफिकेशन है, यानी आपको सिर्फ एक बार करना होगा। इसके लिए आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। ये तो आप वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना 30 सेकेंड्स का एक वीडियो क्रिएट करके अपलोड करना होगा। ये फिर आप आईडी के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना होगा। ये फिर आपको अपने चैनल की एक हिस्ट्री बिल्ड करनी होगी, यानी आपको 2 से 3 महीनों का वेट करना होगा। जैसे ही आपके चैनल पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो आपका ये वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे इजी और फास्ट ऑप्शन है वीडियो वेरिफिकेशन, तो हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से ब्राउजर में एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसकी गाइडलाइंस देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको आप अलाउ कर देंगे, इसके बाद आई एग्री। अपने फेस का वीडियो रिकॉर्ड करना है, कोई कैप या सनग्लासेस नहीं होने चाहिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, वीडियो में आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए और आपका मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आप यहां रीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। ये आपसे परमिशन मांगेगा, आप इसको अलाउ कर देंगे। इस तरह से कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है, आप अपने फेस को ऊपर नीचे दाएं बाएं करेंगे तो आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और ये अपलोड हो रहा है। आपको वेट करना होगा इसके अपलोड होने का। वीडियो अपलोड हो चुका है, इसके बाद आपको 24 आवर्स का वेट करना है। जैसे ही आपका वीडियो अप्रूव हो जाएगा तो आपका YouTube वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आप YouTube के एडवांस फीचर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्लेस कर सकते हैं और आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो वेरिफिकेशन नहीं करना है तो आप वैलिड आईडी जैसे कि पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको गाइडलाइंस मिल जाएगी। आपको अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का क्लियर फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करना होगा, नेक्स्ट करेंगे। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आप कौन कौन सी आईडीज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ये चेक करने के लिए आप वैलिड आईडी पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पैन कार्ड, इनमें से आप कोई भी एक आईडी दे सकते हैं। तो आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। आप अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट का फोटो क्लिक करेंगे और उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो इससे भी आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।